हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज एस्केप वेलोसिटी, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट जेई प्रिपरेशन। सो दोस्तों, कुछ दोस्त हमारे साथ ऐसे हैं जो 9वीं-10वीं क्लास में हैं और एनटीएससी का क्रैश कोर्स करना चाहते हैं। एनटीएससी 10th क्लास का एक बहुत रेप्यूटेड एग्जामिनेशन है, बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही छोटा क्रैश कोर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। 10-11 लेक्चर का ये क्रैश कोर्स होगा, उसके बाद मेंटल एबिलिटी मैं डील करने वाला हूं, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था। सो बहुत ही जल्दी बहुत ही सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं कि क्या सिनेरियो है इस चीज का। चलिए, सो क्या डिस्कस करने वाले आज हम लोग? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम 2 या 3 क्वेश्चन हर साल हर तरह की एनटीएससी के अंदर आते हैं। राजस्थान ले लो, आप कोई सा भी स्टेट ले लो, ठीक है, वहां पे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और मैं आपको इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि सारे स्टेट्स के क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करने से पहले ये कार्डिनल प्रॉमिस आपको करना है, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट फॉर माय प्रिपरेशन। आप अपनी प्रिपरेशन के लिए सारी चीजें ये करने वाले हैं, ये आपका कार्डिनल प्रॉमिस है, ठीक है, तो ले लीजिए क्योंकि ये आप ही के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12 बजे दोस्तों कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोर्स चलता है मेरा, 3 बजे केवीपीवाई एनएससी एनटीएससी का क्रैश कोर्स चलता है, ठीक है। और ये मेरा कस्टम यूआरएल है @prashant42jain, जहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो मेरे लेसन सारे आप लोगों को नोटिफाई हो जाएंगे। चलिए, ये मेरा पहला कोर्स है जो 8 बजे से 9:30 बजे तक लाइव होता है, मंडे टू फ्राइडे ये कोर्स मेरा लाइव होता है। उसके बाद ये कोर्स शाम को 7 बजे से 8 बजे तक होता है, प्लस प्लेटफॉर्म पे मैं ये कोर्सेज पढ़ाता हूँ। दोस्तों, आप में से कुछ लोग मुझसे ऑलरेडी पढ़ने आ चुके हैं, और भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए, जल्दी जल्दी आइए, ताकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकूं, ठीक है। प्लस प्लेटफॉर्म की और क्या खास बात है दोस्तों? टेस्ट सीरीज है, ड्रॉपर्स के लिए अलग, 11th के लिए अलग, 12th के लिए अलग, फिर बैचेस एंड ईयर लॉन्ग कोर्सेज 40 कोर्सेज, ठीक है, 40 कोर्सेज, 27 कोर्सेज, 25 कोर्सेज, 21 कोर्सेज, मैथमेटिक्स के 25 कोर्सेज में से 2 कोर्सेज मेरे भी हैं। सो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहाँ पे देखिए 30+ आवर्स ऑफ लाइव लेसन एवरी डे, लाइव कोर्सेज इन इंग्लिश एंड हिंदी, 39+ टॉप एडुकेटर्स, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो। ये कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं, अगर आप लोग चाहें तो 2 ईयर्स के लिए आ सकते हैं। 2 ईयर्स का जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है वो 40,000 फॉर 24 मंथ्स, ठीक है, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, सब चीजें हैं यहाँ पे, आप लोग चाहें जो चाहें आप वैसा एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा कोड यूज करेंगे पीजे लाइव, तो आपका 10% डिस्काउंट हो जाएगा, 36,000 ये हो जाएगा पीजे लाइव, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लोग 1 ईयर के लिए आना चाहते हैं तो अगेन पीजे लाइव कोड यूज करके 22,500 हो जाएगा। इनफैक्ट कोई सा भी सब्सक्रिप्शन मॉडल आप लेना चाहें उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये, राइट। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज ऐप डाउनलोड करके टारगेट IIT JEE कीजिए। और जैसे ही आप लोग मोबाइल पे जाएंगे, मोबाइल लर्नर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मोबाइल लर्निंग भी बहुत अच्छी होती है, तो मोबाइल के थ्रू आप कैसे लर्न कर सकते हैं? अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते हैं और फिर वापस से सब्सक्रिप्शन सेम है, एंड अगेन आप यहाँ पे मेरा कोड पीजे लाइव यूज कर सकते हैं फॉर दैट, ठीक है। सो चलिए अब जल्दी जल्दी हम लोग नंबर सिस्टम रिवाइज करते हैं। नंबर सिस्टम के सबसे पहले क्लास 9th, ठीक है, नंबर सिस्टम के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स के अंदर मतलब देखिए, नेचुरल नंबर, सबसेट ऑफ होल नंबर, सबसेट ऑफ इंटीजर, सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, और फिर इन सब का यूनियन ले लो इरेशनल नंबर के साथ, तो आपका आ जाता है रियल नंबर्स, ठीक है, ये रियल नंबर्स आते हैं। फिर इसका टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? पी बाय क्यू टाइप के जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, और यहां पे पी और क्यू क्या होता है? इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और एचसीएफ ऑफ पी कॉमा क्यू,
अगर वन है तो रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं, जिसको रिड्यूस्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें पता है। अगला, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये होते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कहते हैं हम इनको, इरेशनल नंबर्स हम लोग कहते हैं। इरेशनल नंबर्स के लिए देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताता हूं आपको इरेशनल नंबर्स के बारे में। जैसे रूट टू है, अब रूट टू को हम लिखते हैं 1.4142, ठीक है। अब ये रिपीट नहीं करता, रिपीट नहीं करता, राइट। जहां रिपीट करता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये भी रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूं 1/7 का, तो ये क्या होता है 0.142857, और यहां पे रिपीट कर जाएगा। बार लगाने का मतलब क्या होता है, रिपीट करना, ठीक है। ये सब चीजें आप लोगों को पता होंगी, बट फिर भी मैं आपको नोटिफाई कर देता हूं, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या होती है, टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या होती है भैया, टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या होती है, डिनोमिनेटर ऑफ फॉर्म, डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होना चाहिए, 2 to the power m इंटू 5 to the power n। इस फॉर्म का अगर डिनोमिनेटर होता है तो दोस्तों हम लोग बहुत अच्छे से इसको कह पाते हैं कि ये क्या है, एक्सक्यूज मी, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग ध्यान रख सकते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इसमें जो क्विक टिप है वो क्या है, डेसिमल 2p/q, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब देखो, अब इसके इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये एनटीएससी स्टेज 2 में आया हुआ है, यू वुड नॉट बिलीव, ये क्वेश्चन एनटीएससी स्टेज 2 में आया हुआ है और बच्चे फिर भी इसको गलत कर देते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ 2.343 प्लस 3.34, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कोशिश करो आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ के सॉल्व करने की कोशिश करना, 10th क्लास के बच्चों के लिए। देखो एनटीएससी इज ऑल अबाउट नॉट डूइंग सिली मिस्टेक्स। अगर आपने सिली मिस्टेक की, आप रेस से बाहर हो। सिली मिस्टेक नहीं करनी है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखनी है। अगर आपका ये क्वेश्चन, ये वीडियो देख के ये क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद गलत होता है, जस्ट डू नॉट लाइक लेट इट गो, इट इज अ मिस्टेक, इट इज अ वेरी बिग ब्लंडर। बिकॉज एनटीएससी में मैथमेटिक्स में मेजोरिटी ऑफ द स्टेटमेंट 20 में से 20 लाए जा सकते हैं। टू पॉइंट थ्री फोर थ्री, राइट। अब देखो कैसे करेंगे इसको, इंटीजर इंटीजर तो ऐड कर दो, 5 प्लस, ये हो गए। मैं तो ऐसे ही करता हूं, पता है, मतलब 3, 4, 3 अपने आप रिपीट कर जाएगा, ठीक है। 3, 4, 3 बार सेम आ गए, राइट। तो सिंपल इसको 6, 8 बार लिख सकते हैं हम, 5.68 बार हो गए, राइट। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये 3, 4, 3 था, इसको आप डायरेक्टली यहीं लिख देते, ये भी सही है, बट बहुत बार
आपका ये नंबर और ये नंबर सेम नहीं बनेगा, तब आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, तो ये चीज़ देख लीजिए। इसी का सेकंड पार्ट, इसको देख लीजिए आराम से। इसी का सेकंड पार्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ वेयर इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। बताइए लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब देखो ये पता है, इस पे ये पता है, ये क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा। 2.9 बार, अब 2. ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ बोलेंगे कि सर 2 होगा इसका आंसर, 2 गलत हो जाएगा। 2.9 बार पता है 3 के बराबर होता है। आप लोग वेरीफाई करो इसको, p बाई क्यू। डायरेक्ट तरीका क्या होता है इसको निकालने का, p बाई क्यू निकालने का डायरेक्ट तरीका मेरे हिसाब से आपको पता है। देखो 2 और ये 0.9 है ना, 29 माइनस ये 9 बार लिखा है, 29 माइनस 2 अपॉन जितने के ऊपर बार है ना उतने 9 नीचे आ जाते हैं, उतने 9 नीचे आ जाते हैं। ये मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होगा, 3 आ गया। तो क्विक टिप इसके अंदर क्या है, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर ठीक है, टेक एक्स्ट्रा केयर वाइल टेक एक्स्ट्रा केयर वाइल कैलकुलेटिंग दी टेक एक्स्ट्रा केयर वाइल कैलकुलेटिंग दी वैल्यू ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्योंकि यहां पे पता है इन दोनों के अंदर अगर आप पी बाई क्यू निकालेंगे ना तो अलग अलग चैलेंजेस आएंगे। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये सैंपल क्वेश्चन है ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हम लोग लिख लिया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के क्वेश्चन से ही। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड स्टेज 2 में आया था ये, फाइंड सम ऑफ 3 फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स सच दैट 1 by n is equal to bar where a b c d e f are distinct digits। डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं ठीक है, और क्या करना है आपको, वेयर ए बी सी डी ई एफ आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर सच दैट 1 बाय एन वेयर दिस आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स ठीक है। ए ऑप्शन 41, बी ऑप्शन 42, सी ऑप्शन 64, डी ऑप्शन नन। करो
करो भाई इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है, एनटीएससी स्टेज टू में आ चुका है ऑलरेडी एक बार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूं आपको ये कैसे करना है। देखो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ अपॉन 9999999, ये नंबर होगा एन। बताओ वन बाय एन मतलब एन क्या हो गया? अपॉन, ठीक, इससे मैं कह सकता हूं एन इज डिवाइजर ऑफ ये, कह सकता हूं। तो अब एन को सॉल्व करते हैं, देखो इसके इसको फैक्टराइज करते हैं हम लोग। ये हो गया थ्री, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, इंटू सेवन सॉरी थ्री सेवन, ठीक है। फिर देखो थ्री 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 हो गया, वन 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 इंटू एक और बार थ्री आ जाएगा, थ्री इंटू सेवन इंटू फिर नाइन, वन 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 हो गया, फिर वन जीरो जीरो वन इंटू थर्टी सेवन, ये हो गया। देख सकते हो आप, वेरीफाई कर सकते हो, इस तरह से ये फैक्टराइज हो जाएगा। अब आपको देखो बेसिकली अगर आप थ्री लोगे एन को तो डिवाइड करने पे ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू थ्री 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 आ जाएगी, ये लेना नहीं है आपको। आप सेवन लो, अब देखो जैसे ही आप ये करोगे ना, तो आपका आएगा 142857, छह की छह डिजिट अलग, तो सेवन आपका एक नंबर हो गया। तो आप चेक करोगे तो सेवन आएगा, थर्टीन आएगा, और सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन आएगा, ट्वेंटी वन भी आ जाएगा। तो सम कितना हो गया, सेवन प्लस थर्टीन प्लस ट्वेंटी वन फोर्टी वन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एनटीएससी स्टेज टू का, एनटीएससी स्टेज टू में आ चुका है क्वेश्चन, राइट। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग इसको किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, और इसके लिए क्विक टिप क्या है, क्विक टिप सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइजर, यहां पे डिवाइजर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से यूज हो रहा है, ये मेरी तरफ से एक क्विक टिप है, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन नहीं है राधर, अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सब के, तो इसके डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। इफ एक्स इज इक्वल टू 4√6 अपॉन √2 + √3 फाइंड वैल्यू ऑफ। अब ये बताए इस, ये एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं जिसमें केवल सिली मिस्टेक कर सकते हो आप, मतलब कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक तो होगी नहीं, सिली मिस्टेक कर सकते हो आप। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2√2 अपॉन एक्स माइनस 2√2 प्लस एक्स प्लस 2√3 अपॉन एक्स माइनस 2√3, ठीक है, वैल्यू निकालो इसकी। मैंने क्या बोला, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बस इसके अंदर, और कुछ नहीं हो सकता। चलिए अब मैं बता देता हूं ये क्वेश्चन आपको। देखो अब मुझे इसको देख के एक चीज याद आ रही है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो नाम की एक चीज होती है जो मुझे याद आ रही है। इसको अगर मैं डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो हालत खराब हो जाएगी आपकी और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो पेन की इंक चेंज करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, देखो अब मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाऊंगा इसके अंदर, एक्स प्लस 2√2 अपॉन एक्स माइनस 2√2 इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 2 + √3 प्लस 2 + √3 2√3 माइनस 2 + √3। क्योंकि कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या बोलता है कि अगर a बाय बी इक्वल टू c बाय डी है, मतलब a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये होता है राइट। अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितना आ गया इससे, अब देखो डायरेक्टली वैल्यू निकल गई आपकी 3√3 प्लस 2 अपॉन √2 है यहां पे, प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, ठीक। सिमिलरली एक्स प्लस 2√3 एक्स माइनस 2√3 क्या हो जाएगा, 3√2 प्लस √3 √2 माइनस √3, दोनों को ऐड करेंगे, वेरीफाई करना आप लोग,
टू आ जाएगा, टू आंसर आएगा इसका, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट डिविडेंडो, ये सब छोटी छोटी चीज है, क्योंकि देखो मैथ्स का एक क्वेश्चन करने के लिए केवल डेढ़ मिनट है आपके पास, मात्र डेढ़ मिनट से भी कम है इनफैक्ट, तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। टू आ गया, अब एक अब ये क्वेश्चन है, ये एक इनोवेटिव क्वेश्चन है, हरियाणा वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ टू प्लस रूट थ्री प्लस रूट फाइव इंटू टू प्लस रूट थ्री इंटू रूट फाइव ए प्लस रूट थ्री माइनस रूट फाइव इंटू बी रूट थ्री माइनस सी इज इक्वल टू 44, ए बी सी आर इंटीजर्स, फाइंड वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, निकालो। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई आउट करो। चलो अब मैं बताता हूं आपको, देखो रैशनल नंबर आ रहा है, एक्चुअली ये क्वेश्चन है रैशनलाइजिंग फैक्टर का, रैशनलाइजिंग फैक्टर्स, रैशनलाइजिंग फैक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टू प्लस रूट थ्री ये आ गया, मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि इसको रैशनलाइज करने के लिए मुझे ये लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फिर देखो 2 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर बन गए, तो ये कितना आ गया माइनस फाइव, 2 प्लस फोर रूट थ्री, राइट, 2 प्लस फोर रूट थ्री आ गया। अब इसमें अगर मैं फोर रूट थ्री माइनस टू मल्टीप्लाई करूं, देखो क्योंकि मेरे को इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर बनाना है, ये ट्रिक्स शायद आपको आती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी यूज कर ली हमने, पहले तो मैंने केवल रूट फाइव को उड़ाया, रूट फाइव को क्यों उड़ाया, क्योंकि मुझे रूट थ्री दिख रहा है यहां पे, इसलिए मैंने रूट फाइव को उड़ा दिया, ठीक है। फिर मेरे पास टू प्लस फोर रूट थ्री आया, अब अगर मैं कंपेयर करूं इसको, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आएगा, तो बी की वैल्यू आपकी 4 आ गई, सी की वैल्यू आपकी 2 आ गई, माइनस टू आ गई, सॉरी सी की वैल्यू प्लस टू आ गई, ए की वैल्यू आपकी टू आ गई, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 8। ऐसे क्वेश्चन हरियाणा में आ सकते हैं आराम से, प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रैशनलाइजिंग फैक्टर का, ये क्वेश्चन है 9th क्लास का, नंबर सिस्टम इसी के साथ खत्म होता है।
चलिए अब टेंथ क्लास का थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम लोग। रियल नंबर्स नाम से आता है उसमें, क्लास टेंथ। सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि भाई अगर कोई नंबर है ए, उसको तुम बी से डिवाइड कर रहे हो तो क्यू कोशेंट आएगा, आर रिमाइंडर आएगा, ठीक है। और वेयर आर इज होल नंबर और आर लेस देन बी, ठीक। फिर इसी की मदद से ईडीए क्या होता है, एचसीएफ एलसीएम निकालना, तो एचसीएफ एलसीएम भी इस वजह से सिलेबस में आ जाता है। फिर आपका आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एफटीए, एवरी नेचुरल नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड, कैन बी फैक्टराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की मदद से उसको फैक्टराइज किया जा सकता है, ये पता है आप लोगों को, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स आर ऑफ द फॉर्म फोर क्यू प्लस वन, बस इसी टाइप के होते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स, वेरीफाई कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो चीज होता है ना, ये फॉर्मुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहां पे। फिर इफ स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव्स आर वन आर टू आर थ्री एज रिमाइंडर अपॉन डिविजन बाय डी वन डी टू डी थ्री सच दैट डी वन माइनस आर वन इक्वल टू डी टू माइनस आर टू इक्वल टू डी थ्री माइनस आर थ्री इज इक्वल टू सी इज LCM D1 D2 D3 माइनस सी। अभी क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे हम लोग, ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोग कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये सारी। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं ये सारी। जल्दी से समझ लीजिए इसको, एक एक पॉइंट को समझिए आप, क्योंकि एक एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अ नंबर when divided by 6, 7, 8 leave 3, 4, 5 as remainder,
फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ स्मॉलेस्ट सच नंबर। बताइए स्मॉलेस्ट सच नंबर। बताओ भाई चलो अब मेरी बारी आ गई। मैंने आपको इसके लिए डायरेक्टली वर्किंग रूल बताया एलसीएम 678 माइनस, क्योंकि यहां पे डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस हमेशा सेम है 3 है, तो यहां पे 3 आ गया राइट। 678 का एलसीएम कितना हो गया आपका दोस्तों 6 सॉरी 56 into 3 कितना होता 168 हो गया ठीक है 168 हुआ ना 168 ही होगा कितना हो गया 165 तो 1 + 6 + 5 दैट इज 12 आंसर 12 आ गया आपका ठीक है। छाप लो इसको जल्दी से ठीक है। सो ये एचसीएफ एंड एलसीएम का एक अच्छा क्वेश्चन डिसेंट अच्छा क्वेश्चन है ठीक है। फिर एक क्वेश्चन मैंने केवीपीवाई में कराया था आपको, वो क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं करूंगा, फिर आप बोलोगे सर बार बार एक एक क्वेश्चन देते हो आप ठीक है। सो आई वोंट रिपीट दैट बट देन फाइंड मैक्सिमम नंबर विच ऑलवेज डिवाइड्स, ये क्वेश्चन आता है विच ऑलवेज डिवाइड्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर ठीक है करो। इसलिए इस वाले में क्विक टिप वही वाला था जो शॉर्टकट था ना कि सी डी वन माइनस आर वन इक्वल टू डी टू माइनस आर टू इक्वल टू डी थ्री माइनस आर थ्री ठीक है। ये आपको देखना था। अब अगला क्वेश्चन कीजिए।
कीजिए इस क्वेश्चन को, कोशिश करना है आपको इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन का बताता हूं मैं आपको कैसे आप इसको कर सकते हो। फाइंड मैक्सिमम डिवाइड्स, ठीक है, ये है ईडीएल का, इसलिए नहीं लिखा था मैंने जानबूझ के, राइट। सो व्हेन एक्स इज ऑड, आप उसको 2n प्लस 1 ले सकते हो, ठीक है, तो आपका ये कितना हो गया, एक्स ऑड हो गया, तो 2n प्लस 1 का स्क्वायर, 2n स्क्वायर इज सॉरी इंटू 2n प्लस 2। अब ये दो कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स मतलब एक 2 से डिविजिबल होगा, एक 4 से डिविजिबल होगा, टोटल मिला के ये आपके 8 से डिविजिबल होंगे। सो 8 डिवाइड्स n, और तीन कंजिक्यूटिव नंबर्स तो यहीं से ही, तो 3 डिवाइड्स n, तीन कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं तो उनमें से एक तो 3 से डिविजिबल हुआ ही सही, तो इस केस में 24 डिवाइड्स n आ गया। अब n x लेते हैं हम लोग इवन, और इवन में भी 4n प्लस 2 लेते हैं, 4n प्लस 2 भी एक इवन नंबर है, 4n प्लस 2 का स्क्वायर 4n प्लस 1 4n प्लस 3, तो ये हो गया 4 इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब देखो ऑड 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 इनटू ऑड इनटू ऑड इनटू 4, तो ये 4 से डिविजिबल होगा, बस 3 से डिविजिबल हो गए सही, तो इस केस में 12 से डिविजिबल है, हमें तो हर एक केस में बताना है, तो हर एक केस में मिला के कितना आंसर आ गया 12। छाप लो इसको, चलो। सो ये ईडीएल ईडीए के क्वेश्चंस हो गए, राइट, ये क्वेश्चन मुझे कराना था आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम का मैं करा रहा हूं, ठीक है, कभी कभी साइक्लिसिटी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ज्यादा नहीं आते, कभी कभी आ जाते हैं, बट कभी कभी क्या पता आपके साथ हो जाए, ठीक है। फाइंड ऑल पॉसिबल यूनिट डिजिट्स, सिली मिस्टेक मत करना, फाइंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट डिजिट्स ऑफ 3 टू द पावर n प्लस 8 टू द पावर n, n बिलोंग्स टू होल नंबर, ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 7, बताइए, करिए इस क्वेश्चन को, कोशिश कोशिश कोशिश। थ्री की पावर एन प्लस एट की पावर एन, यूनिट डिजिट लिख के देखिए इनकी, अपने आप हो जाएगा।
चलो। सो दोस्तों आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, फाइंड नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट डिजिट्स। ठीक है, तो देखो 3 की पावर n की क्या यूनिट डिजिट्स होंगी, 8 की पावर n की क्या होंगी। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 7, 3 की पावर 4 1, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 4, 8 की पावर 3 2, 8 की पावर 4 6, राइट। अब इनको ऐड करो, 1 आएगी 3 9 7, चार यूनिट डिजिट्स आ गई। चार निकाल लिया आप लोगों ने आंसर, बढ़िया। गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि n क्या दे रखा है, होल नंबर दे रखा है। तो 3 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 0 जो कि 2 होगा वो भी तो आएगा। ये बच्चों सिली मिस्टेक हो जाती है, बहुत बड़ी सिली मिस्टेक हो जाती है ये वाली। बच्चे सोचते हैं बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, फटाफट से यूनिट यूनिट डिजिट देख लो, आंसर चार निकाल लो, चार नहीं बेटा आंसर पांच आएगा। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी करो और इसको नोट लिखो क्विक टिप में, डू नॉट फॉरगेट। थ्री की पावर जीरो प्लस एट की पावर जीरो, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, ठीक है, ताकि आप लोग कभी भी ना भूलें। चलो सो दोस्तों आई होप आप लोगों को पूरा ये वीडियो समझ में आया। नंबर सिस्टम हम लोगों ने रिवाइज किया, 2 से 3 क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, बट वो बात की बात है। अगले लेक्चर में हम पॉलीनोमियल्स और लीनियर इक्वेशंस डील करने वाले हैं, तो वो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, खासकर 10th क्लास के बच्चों के लिए, NTSC के लिए। NTSC इज मोर अबाउट एक्यूरेसी, इट इज नॉट अबाउट डिफिकल्टी। डिफिकल्टी इतनी ज्यादा नहीं आती है, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज हिट लाइक, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, ताकि आप मुझे लाइव सुन सकें, लाइव मुझसे पढ़ सकें। ट्रिग्नोमेट्री का भी लाइव कोर्स मैंने चालू किया है, 12 बजे वो कोर्स चलता है। ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड रिमेंबर टू यूज PJLive, ये मेरा कोड है बच्चों, PJLive 10% ऑफ, इससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, PJLive कोड जरूर यूज कीजिए आप, 10% डिस्काउंट इससे आपको मिल जाएगा। अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं तो अनलिमिटेड एक्सेस है, स्टार एडुकेटर्स हैं बहुत सारे, मेरे अलावा बहुत सारे एडुकेटर्स भी आपको मिलेंगे। एक सब्सक्रिप्शन है, सारी सुविधाएं आपको उसके अंदर मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा एक्सक्यूज मी, उसके अलावा एक फॉर्म हम लोगों ने आप लोगों के लिए रखा है, जो फॉर्म आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं उसको, मतलब उसको भर सकते हैं हमारे वीडियो से रिलेटेड। अगर आपको हमारे वीडियोस के लिए कोई भी पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, जो भी आप देना चाहें हमें प्लीज दीजिए, ताकि हम लोग उस पर इम्प्रूव कर सकें। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कम ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माई कोड PJLive। थैंक यू।